हेलो फ्रेंड, मैं अर्चना। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे से होंगे, अपने कामों में मस्त और व्यस्त होंगे, और आप सब भी अपने विंटर की तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे। फ्रेंड, तो हमारे यहाँ भी आज मॉर्निंग में ही एक बच्चा जो हमारे यहाँ प्लांट पहले भी ला करके देता था, लेकिन समर और मानसून में वो प्लांट नहीं लाता है, और विंटर में ही प्लांट जो है लेकर के आता है। तो उसको कुछ प्लांट दिखा तो वो लेकर के आया है हमारे यहाँ। तो मैं कौन कौन सा प्लांट ली हूँ फ्रेंड, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और कुछ जो है अमेजोन से शॉपिंग की हूँ, नहीं सॉरी, माई बगीचा से शॉपिंग की हूँ फ्रेंड, ये देख सकते हैं। और एक जो है अमेजोन से भी शॉपिंग की हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कौन कौन सा प्लांट ली हूँ फ्रेंड। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, ये मेरीगोल्ड का प्लांट है। ये तीन कलर में है, एक थोड़ा सा ये हल्का लाइट है, वाइट कलर जैसा है, ये येल्लो है, और ये भी येल्लो है, ये इसका लेकिन थोड़ा दूसरा येल्लो है। तो ये तीन जो है मेरीगोल्ड का प्लांट लिए हैं। कटिंग से और प्लांट बना लेंगे, और अभी ले लिए अगर मिल गया तो अभी ले लिए, क्योंकि ये अभी प्लांट लिए हैं तो कटिंग करके प्लांट लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से प्लांट जो है फैलेगा भी। आज हमारे यहाँ बारिश हो रहा है तो इसलिए टेरिस पर अभी वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो ये तीन प्लांट जो है, और एक ये देख सकते हैं फ्रेंड, बालसम का और भी कलर लेके आया था, लेकिन मेरे पास में दो तीन कलर है, रेड नहीं था, और जितना भी था सिंगल पेटल ही था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फ्लावर खिलना शुरू ही हुआ इसमें। तो ये रेड कलर का ले लिया, मेरे पास व्हाइट वाला पिंक ही सब है। तो ये देख सकते हैं बालसम भी ले लिए, कॉस्मोस एक लिए है फ्रेंड, ये देख सकते हैं, और जितना भी प्लांट लिए हैं सब 25 रुपीज़ का। तो कॉस्मोस भी देख सकते हैं फ्रेंड, ये भी कटिंग से बहुत अच्छे से लग जाता है, लेकिन एक ही कलर का सब था, तो बस एक ही कलर का लेके आया था, तो एक ही प्लांट लिए हैं। तो ये देख सकते, टोकरी में लेके आया था फ्रेंड, तो बहुत ज़्यादा प्लांट लेके नहीं आ पाता वो लोग। ये मेरी गोल्ड का ही है, और एक देख सकते हैं ये कॉस्मोस है, सॉरी ये क्रिसमम है यानी गुलदावती। तो ये बोल रहा था कि येल्लो कलर का, मेरे पास में गुलदावती का कटिंग लगाए हैं लेकिन कौन कौन सा कलर है नहीं पता, तो इसका प्लांट भी हेल्दी लग रहा था, तो इसको भी ले लिए हैं, इसको भी कटिंग करके कभी लगा देंगे। तो ये मुझे 20 का पड़ा है, और एक कॉस्मोस जो है 20 का पड़ा है, और एक देख सकते हैं ये बिंका है, ऑरेंज कलर का, यहाँ भी अच्छे से नहीं फोटो इसमें आ रहा है फ्लावर इसका कलर, ऐसे ये ऑरेंज कलर का। और बाकी तो मेरे पास में कुछ जो कलर था पहले से उसको कटिंग करके लगाए थे, तो कटिंग उसको भी रिपोर्ट भी कर देंगे जल्दी ही, उसको कटिंग जो लग गया है। तो ये ऑरेंज मेरे पास में नहीं था, पूरा ख़राब हो गया था ऑरेंज का। तो ये एक प्लांट लिया है फ्रेंड, ये भी 25 का पड़ा है, और ये देख सकते हैं ये कुछ जो है लिलियम का बल्ब लिया है, अमेज़न से मंगवाया फ्रेंड। तो ये देख सकते हैं इस तरह से, ये 5 बल्ब जो है ये 90 रुपीज़ का पड़ा है, इसे हमारे यहाँ बहुत महंगा मिलता है, और सभी में देख सकते हैं इस तरह से निकला हुआ है, इस तरह से पॉली बैग में ही डाल के रखा हुआ था, और पॉली बैग में भी होल किया हुआ ताकि इसमें अंदर एयर जा सके। देख सकते हैं इस तरह से 5 बल्ब है, देख सकते हैं, और पांचों ही हेल्दी बल्ब है। मेरे पास में पिछले साल का भी 2 या 3 बल्ब मतलब प्लांट बचा हुआ है, तो इसको भी जल्दी ही रिपोर्ट कर देंगे, ये आए हुए भी 2 से 3 दिन हो गया है। और एक और ही प्लांट मंगवाया है माई बगीचा से, इसका भी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, ये माई बगीचा से प्लांट को मंगवाए हैं, इसको कट कर देते हैं। ये सब जो प्लांट है जितना भी मेरे से शॉपिंग जो होता है वो बेटी बेचती है, मुझे नहीं आता ले सकता। तो ये जो प्लांट है, प्लांट देखते हैं तो बहुत हेल्दी है, क्योंकि आते ही ऊपर से खोल दिए थे इस तरह से। कई बार जो होता है ज़्यादा दिन हो जाता है तो प्लांट ख़राब होने का डर लगता है, क्योंकि ये 2 दिन में ये प्लांट आ गया फ्रेंड। तो ये देख सकते हैं कि इस तरह से करके ये छोटा सा पॉट है, ऊपर से देख सकते हैं ये जो नारियल का जो छिलका होता है वो डाला हुआ है, और केवल कोकोपीट में लगा हुआ, ऊपर से फिर पॉलीबैग से इस तरह से पोलथीन से टाइट किया होता कि मिट्टी वगैरह ना निकले। तो ये प्लांट जो है फ्रेंड, ये गार्लिक वाइन का प्लांट है, और प्लांट भी कितना हेल्दी है देख सकते हैं। इसको आए हुए 2 दिन हो गया है, इसको अभी रिपोर्ट कर देंगे, क्या आज हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो बाहर तो अभी नहीं लगा सकते, और मिट्टी भी गीला हो गया हुआ, तो 1-2 दिन में इसको रिपोर्ट भी कर देंगे। तो इस कितना का पड़ा ये नहीं पता है, हमारे यहाँ बाहर गार्लिक वाइन मिल ही नहीं जाता, तो इसलिए मुझे ऑर्डर करके इसको मंगवाना पड़ा। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी शॉपिंग फ्रेंड, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और वह जैसे जैसे विंटर का प्लांट मिलेगा वो लाला करके देना शुरू कर देता है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी शॉपिंग। चलिए इसी तरह हम वीडियो को बंद करते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।